प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट फर्स्ट की पोम आइसक्रीम मैन डिस्कस करेंगे। तो आइसक्रीम मैन यानी आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति। रीड, पढ़ो एंड एंजॉय। और क्या करो? एंजॉय मतलब फन करो। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये पहले सबसे पहले आपको क्या देखनी है, ये इमेज देखिए। ये जो आइसक्रीम मैन होता है वो ऐसे ही होता है। आप अपने घर में, गली में आप देखते होंगे, आपकी स्ट्रीट में आता है। यहाँ पे आइसक्रीम मैन की जो ये, इसको हम क्या कहते हैं, ये कार्ट होती है, CART कार्ट, जो उसकी जो पहिया गाड़ी होती है, पहिए लगे हुए हैं इसमें, इसको हम कार्ट कहते हैं। इस कार्ट के अंदर ही सारी आइसक्रीम्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक अम्ब्रेला है, एक छाता होता है उसके ऊपर, और यहाँ पे बोटल्स भी रखी हुई हैं। इन बोटल्स में क्या है, अलग अलग टाइप का जूसेस हैं। अब जैसे ही आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो सारे बच्चे क्या होते हैं, घर से बाहर भागे चले जाते हैं कि क्या खानी है उनको, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कार्ट यानी आइसक्रीम कार्ट, कार्ट के बाहर क्या लगा लेते हैं, सब झुंड लगा लेते हैं, क्राउडेड हो जाता है प्लेस, उसका जगह। और ये क्या है, ये उनकी मदर भी होती हैं जो उनको परचेज करके देती हैं। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इमेज को ऑब्जर्व करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज कोल्ड, क्या है ठंडा, कोल्ड मतलब ठंडा, व्हाट मतलब क्या, ठंडा क्या है, व्हाट इज कोल्ड, जो क्या है, ठंडी है। स्वीट, स्वीट मतलब कैसी है, मीठी है। एंड क्रीमी, और जो कैसी है, क्रीम की तरह है बिल्कुल। एंड वंडरफुल टू ईट, और खाने में कैसी है, ईट मतलब खाना, खाने में कैसी है, वंडरफुल है मतलब बहुत लाजवाब है खाने में। एवरीवन्स, सभी की फेवरेट यानी पसंदीदा ट्रीट, मतलब जो सबको खाने में बहुत अच्छी लगती है, जो दिल, वो क्या है, स्पेशली ज़्यादातर कब अच्छी लगती है जो खाने में, ऑन अ हॉट समर डे, कब अच्छी लगती है, गर्मियों के दिनों में। समर डे मतलब गर्मियों के दिन, गर्मियों के कौन से दिनों में, हॉट मतलब गर्मियों के दिनों में वो अच्छी लगती है। क्या है वो ऐसी चीज़, इज एन आइसक्रीम, क्या है वो, एक आइसक्रीम होती है। एंड एवरीवन्स, और सभी की, और सभी का जो फेवरेट पर्सन, और सभी का जो फेवरेट जो व्यक्ति होता है, कौन है वो, माइट जस्ट, शायद कौन है वो, जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और कौन सा, कौन होता है वो, कौन सा आदमी है वो, आइसक्रीम मैन, शायद वो फेवरेट पर्सन गर्मियों के दिनों में वो आइसक्रीम मैन होता है, जो क्या लाता है, कोल्ड, स्वीट और क्रीमी, क्या है हमारे पास, आइसक्रीम को गर्मियों के समर डेज में जो लेके आता है और हम सब खुशी खुशी खाते हैं, और उस जो उस चीज़ को सेल करता है, जो बेचता है, वो उसे हम आइसक्रीम मैन कहते हैं। अब है हमारा व्हेन समर्स इन द सिटी। जब, व्हेन मतलब जब, जब समर, समर के बाद ये एपोस्ट्रोफी एस लगाया, जिसका मतलब होता है का के की, यानी जब गर्मी का, जब गर्मी का क्या क्या होते हैं, जब गर्मी का, गर्मी होती है इन द सिटी, जब जो शहर में क्या होती है, गर्मी होती है। एंड ब्रिक्स, अ ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती हैं, जो घरों की जो ईंटें क्या करने लगती है, ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, जो क्या, ब्लेज मतलब ऐसे गर्म लो की तरह, क्या कहते हैं, जिसमें से बहुत गर्मी, हीट मतलब गर्मी निकलती है, कैसी गर्मी निकलती है, ब्लेज, ब्लेज मतलब लो की तरह, जैसे हम कैंडल, जैसे हम, जैसे मान लो मैंने कैंडल ड्रॉ करी, तो कैंडल के ऊपर एक ऐसी लो निकलती है ना, बिल्कुल जैसे हाथ एकदम लो सी गर्मी गर्मी निकलती है और हम हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो क्या निकलती है उसमें से, जो हम ईंटें होती हैं उनमें से क्या निकलती है, गर्म, क्या कहते हैं, लो की तरह गर्मी निकलती है। ब्रिक्स किसके लिए यूज़ किया है, घरों के लिए यूज़ किया है कि ब्रिक्स। अब द आइसक्रीम
द आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है, विद हिज लिटिल कार्ट, किसके साथ आता है वो, अपने छोटे कार्ट। कार्ट का मतलब क्या होता है, जो उसकी जो गाड़ी होती है ना, जो गाड़ी होती है जिस गाड़ी के अंदर वो लेके आता है। तो कार्ट मतलब आइसक्रीम मैन की क्या हो गई, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी को क्या कहते हैं हम, कार्ट कहते हैं। आइसक्रीम मैन, द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, जो आइसक्रीम मैन क्या है, अपनी छोटी, लिटिल मतलब छोटी गाड़ी के साथ गोज जाता है। कहाँ जाता है, ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब होता है जो गाड़ी होती है उसके अंदर पहिए होते हैं ना, पहिए, जो आप ये ऊपर देखो, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी है, जो कार्ट है उसकी, उसके नीचे क्या लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। तो पहिए से क्या होती है, वो गाड़ी लुढ़कते हुए जाती है, किसी कोई भी चीज़ जाती है लुढ़कते हुए। तो आइसक्रीम मैन की क्या है, लिटिल कार्ट। आइसक्रीम मैन की लिटिल कार्ट क्या होती है, गोज ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग मतलब लुढ़कते हुए जाना, जिस चीज़ में आप जैसे कोई भी चीज़ ऐसे चलाते हो अपने घर पे, कोई कार भी चलाते हो, जो टॉय कार भी होती है, तो उसमें जो टायर होते हैं उसके, तो लुढ़कते हुए आगे की तरफ जाते हैं ना, राउंड राउंड शेप में ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। जो कहाँ पे जाते हैं, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गली में जो जाते हैं। तो आइसक्रीम मैन अपने छोटी गाड़ी के साथ कहाँ जाता है, वो ट्रंडलिंग लुढ़कता हुआ, गाड़ी को लुढ़काता हुआ कहाँ जाते है, गलियों में जाता है। अब बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बिनिथ का मतलब होता है नीचे, बिनिथ का मतलब क्या होता है, नीचे। बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसकी जो गोल छाता जो होता है उसका, जो आइसक्रीम मैन की जो ऐसे करके छाता लगा होता है उसकी गाड़ी में, ऐसे करके जो छाता होता है, और ये उसकी क्या होती है, गाड़ी होती है, कार्ट होती है। तो जो उसकी गाड़ी में क्या होता है, बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बिनिथ मतलब नीचे, उसकी राउंड अम्ब्रेला के नीचे, उसकी राउंड अम्ब्रेला के बिनिथ, बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसकी अम्ब्रेला के नीचे क्या है, उसकी अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, उसकी अम्ब्रेला के नीचे क्या है, वॉट मतलब क्या, क्या कितनी अच्छी, कितनी क्या, एक मनोरंजक साइट, साइट मतलब दृश्य, कि क्या मनोरंजक दृश्य है। जॉयफुल मतलब जो दिल को खुशी दे, साइट मतलब दृश्य, कि क्या मनोरंजक दृश्य है। टू सी हिम, सी मतलब देखना, टू सी हिम उसे देखना, किसके साथ देखना, फिल द कॉन्स, क्या मनोरंजक दृश्य लगता है जब हम उसे सी करते हैं, देखते हैं, क्या करते हुए, फिल करते हुए, भरते हुए, किनको भरते हुए, कॉन्स को, कौन से कॉन्स को, जो कौन किसको कहते हैं, ये कौन होता है, ये आइसक्रीम का कौन खाली है, इसको हम कहते हैं कौन, और उसके अंदर फिर हम क्या भर देते हैं, आइसक्रीम फिल करते हैं। जब आइसक्रीम फिल करते हैं तो ऐसी शेप की होती है, माउंड मतलब ऐसी शेप होना, राउंड में ठेले, ये ऐसी शेप होती, इस जो शेप को होती है, इस शेप को हम माउंड शेप कहते हैं। ये शेप दिख रही है ना आपको, ये कौन सी शेप है, माउंड शेप। तो हमें जॉयफुल साइट कब मिलती है, बहुत देखकर क्या, कब अच्छा लगता है हमें, क्या जॉयफुल दृश्य हमें लगता है, जब हम उसको आइसक्रीम कोन को फिल करते हुए देखते हैं, कॉन्स विद माउंड, माउंड कॉन्स को माउंड के साथ देखते हैं, आइसक्रीम के साथ, उसके ढेले के साथ हम उसको देखते हैं। ऑफ कूलिंग ब्राउन, ऑफ कूलिंग क्या है, ब्राउन एंड वाइट, कैसी होती है वो, ऑफ कूलिंग ठंडी, कूलिंग मतलब ठंडी, कैसे रंग की ठंडी है, जो माउंड बना हुआ है, जो ऐसी शेप बनी हुई है कोन के ऊपर आइसक्रीम की, वो कैसी कलर की होती है, वो होती है ब्राउन कलर की और वाइट कलर की। कौन सी कलर है उसका, ब्राउन है और वाइट है। अब ब्राउन और वाइट में क्या है आगे, वनीला, वनीला मतलब एक फ्लेवर का नाम है। जो वाइट कलर की जो आइसक्रीम होती है वो कौन सा फ्लेवर होता है, वनीला का फ्लेवर होता है। चॉकलेट मतलब जो ब्राउन कलर की आइसक्रीम होती है वो कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट का फ्लेवर है। और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बोलो मेरे साथ, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कौन सी होती है, जो पिंक कलर का फ्लेवर होता है वो कौन सी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है।
और चिली थिंग्स, और क्या होती है साथ में, चिली, चिली मतलब ठंडी वस्तुएं, टू थिंग्स मतलब वस्तुएं, टू ड्रिंक किस लिए, पीने के लिए, ड्रिंक मतलब पीना, क्या होती है उसकी कार्ट में, उसके ठेले पे, एक तो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम के फ्लेवर कौन कौन से हैं, स्वाद कौन कौन से फ्लेवर की है, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, और उसके साथ साथ उसकी कार्ट में, उसके ठेले पे क्या चीज़ें हैं, अलग अलग ठंडी चिली थिंग्स मतलब जो ठंडी चीज़ें पीने की, टू ड्रिंक पीने की, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और वो जो ठंडी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं पीने की, फ्रॉम बॉटल्स, बॉटल्स जो हैं जो उसके अंदर, ये देखो इस इसमें इमेज में आपको दिख रही है ना, या ये देखो, ये जो देखो ये क्या है, अलग अलग जो बॉटल्स हैं, कैसी है ठंडी ठंडी बोतल, किस चीज़ की है ये ड्रिंक पीने के लिए, और किस चीज़ की है, फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है जिसके अंदर अचानक से एक सिसलिंग सा साउंड निकलता है, जैसे आपने कोक पी होगी, कोको कोला, पेप्सी, आप ये सब पीते हो ना, तब एकदम जैसे हम उसे खोलते हैं, हम उसे ओपन करते हैं, तो उसमें से एकदम ऐसे साउंड निकलता है, तो वो क्या होता है, फ्रॉस्टी फिज, ठीक है, वो साउंड कौन सा होता है, फ्रॉस्टी फिज। अब वो जो बोटल्स हैं, जो अलग अलग ड्रिंक करने की बोटल हैं पीने की, वो हैं ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर मतलब सफ़ेद कलर की है, और पिंक कलर की है। अब आगे है दिस कार्ट, जो ये कार्ट है, CART कार्ट है, जो माइट बी अ, शायद क्या है, एक फ्लावर बेड, फ्लावर बेड, फ्लावर मतलब फूलों का बेड, बेड क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसके हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, तो बेड मतलब किसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या, किस लिए बेड का यूज़ किया हमने, कोई भी ऐसा फ्लावर मतलब एक ऐसा फ्लावर बेड है जिसके ऊपर एक तरह से आधार है, कोई बेस है, बेड मतलब बेस, जैसे आप अपने घर पे सोते हो तो आप किसको बेड कहते हो, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, ऐसे कोई लकड़ी की चीज़ होती है उसके ऊपर आप क्या बिछा होता है, क्या कहते हैं, गद्दा बिछा होता है, उसके ऊपर आप सोते हो, वो क्या होता है, बेड, एक आधार है जिसके ऊपर आप सो रहे हो, तो ऐसे फ्लावर बेड, बेड मतलब आधार, एक आधार है जो क्या है, फूलों की उसके ऊपर ड्राइंग हो रही है, और उसके आधार पे क्या रखी हुई है, ये देखो आप इमेज देख के क्लियर होगा, फ्लावर बेड किसे कहेंगे, ये जो है ना इसका ये जो बेस है, इसको हमने क्या बोला है, बेड बोला है, ये फ्लावर बेड है, ठीक है, इसके ऊपर फूल बने हुए हैं, और फूलों के यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये बॉटल्स रखी हुई हैं अलग अलग कलर की पीने के लिए, और इस और इसके अंदर क्या है, आइसक्रीम रखी हुई है। अब जो आ जाता है, अ फ्लावर विद हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, उसका कार्ट क्या है, एक फूलों की, फूलों का एक आधार है, एक क्यारी है, क्यारी होती है ना ऐसे लगा देते हैं और उसके ऊपर फिर फूल लगे, ऐसे फूल लगे होते हैं, तो ऐसे ही उसका क्या है, एक बेस है। ऑफ रोजेस, किस चीज़ की, किस चीज़ का फ्लावर बेड है, किस चीज़ की, फूलों का आधार है, ये क्यारी है, ऑफ रोजेस, रोजेस मतलब गुलाब की, और एंड स्वीट पीज, पीज मतलब मटर, तो मीठी मीठी मटर की, और फूलों की क्या है, ये क्यारी है, क्यारी या आधार हम कहेंगे। द वे द चिल्ड्रन, जिस तरीके से चिल्ड्रन मतलब बच्चे, क्लस्टर राउंड, क्लस्टर मतलब झुंड लगाते हैं, कहाँ पे झुंड लगाते हैं, क्लस्टर मतलब बहुत सारी भीड़ जो होती है हम उसे क्लस्टर होना कहते हैं, इकट्ठा होना, कहाँ पे, राउंड मतलब एक एक राउंड शेप में क्या होते हैं, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, और बच्चे क्या लगाते हैं, जिस तरीके से बच्चे झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, कहाँ पे, एज थिक एज हनी बीज, कैसे लगते हैं, और वो बच्चे लगते हैं मधुमक्खियों के झुंड की तरह, जैसे हनी बीज, हनी बीज का मतलब क्या होता है, हनी बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, जैसे मधुमक्खी जो होती है वो एकदम में ऐसे झुंड में होती है ना, ऐसी आइसक्रीम मैन नहीं, या आइसक्रीम मैन की जैसे कार्ट को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, तो बच्चे क्लस्टर भीड़ लगाते लेते हैं राउंड शेप में, उसके चारों ओर उसकी कार्ट पे चढ़ जाते हैं, और वो कैसा लगता है, वो हनी बीज की तरह लगता है। अब ये पोम किसने लिखी है, इसके राइट इसके पोएट कौन है,
अब ये देखो सारे बच्चों की प्रोनंसिएशन क्या होती है, पोयम, पोयम सही नहीं होती इसकी, इसकी ये क्या होती है पी ओ ई एम, इसकी सही प्रोनंसिएशन क्या है पोम, क्या होती है पीछे बोलो मेरे पोम। और इसको लिखा किसने, इसके पोएट कौन है, रैकल फील्ड, कौन है इसके पोएट, रैकल फील्ड। ठीक है, तो अभी हम एक बार इसे पढ़ते हैं अच्छे से। व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट, स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम, एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। तो अब पोम पढ़ने का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ, आई होप कि पोम आपको समझ आई होगी। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink. From bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink, his cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. तो अभी आई होप कि पोम आपको अच्छे से समझ में आई हो। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स क्या हैं, ब्लेज, ब्लेज का मतलब क्या है, इसको पढ़ो ब्लेज, ब्लेज क्या है, ये ब्लेज का मतलब है ब्राइट फ्लेम और फायर, कि कोई एकदम फायर, जैसे कैंडल होती है और जैसे आप लैंप जलाते हो तो ऐसे फायर निकलती है ना एकदम तेज रोशनी वाली, तो ब्लेज का मतलब क्या है, एकदम में ऐसे तेज रोशनी वाली, तेज ऐसे गर्म रोशनी, या हम कह सकते हैं फायर, आग। ट्रंडलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रंडलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन अ स्मॉल बोर्ड व्हील, मतलब किसी बोर्ड व्हील पे जब लुढ़क लुढ़क के गाड़ी जाती है तो हम उसको क्या होते हैं, ट्रंडलिंग करना कहते हैं। माउंड का मतलब क्या होता है, हीप और पाइल, माउंड होता है ना जैसे मैंने बताया था ये कोन है, कोन के ऊपर एक माउंड ऐसे करके शेप का हो जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, ढेर, किसी चीज़ का ढेर या पाइल, इकट्ठा करना किसी चीज़ को। फ्रोस्टी फिज, फ्रोस्टी फिज क्या है, चिल्ड ड्रिंक, जब बहुत ठंडी ड्रिंक होती हैं, जो ड्रिंक होती है मेकिंग अ हिजिंग साउंड या बबलिंग साउंड, जैसे कोक है, पेप्सी है, जब आप खोलते हो तो एकदम से साउंड जो निकलता है ना उसको हम फ्रोस्टी फिज कहते हैं। और क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड, इकट्ठा होना किस चीज़ में, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्मॉल थिंग्स, सिमिलर थिंग्स, एक जैसी वस्तुओं का इकट्ठा होना क्या होता है, क्लस्टर होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके ये जो समरी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या अभी हम कर लेते हैं, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, इन विच सीजन, कौन से सीजन में जो आइसक्रीम है वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, कौन सा सीजन है जिसमें आइसक्रीम पॉपुलर है, तो कौन सा सीजन है वो, समर सीजन, समर सीजन ही है ना जिसमें सब आइसक्रीम खाते हैं, तो इन समर सीजन। अबे हु फील्स, कौन महसूस करता है, जॉयफुल, बहुत खुशी महसूस करता है, किसको देखकर, ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देखकर किसको खुशी होती है बहुत ज़्यादा, किसको होती है बताओ, अभी चिल्ड्रन को, बच्चों को होती है ना सबसे ज़्यादा खुशी। अबे नेम द डिफरेंट, नेम मतलब बताओ, क्या बताओ, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग फ्लेवर्स, जो स्वाद, किस चीज़ का स्वाद, आइसक्रीम का अलग अलग फ्लेवर स्वाद बताओ, जो आइसक्रीम मैन है
उसकी कार्ट में है, उसकी गाड़ी में कौन कौन सी स्वाद की आइसक्रीम है, तो हमने पढ़ा था ना ऊपर कौन कौन सी है, ये देखो सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। वनीला, ये है ना वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, तो कौन कौन से फ्लेवर की है, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, क्या है हमारा, व्हाट आर द, क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द टू थिंग्स, कौन सी वो दो वस्तुएं हैं जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन एक तो क्या बेच रहा है हमारी, आइसक्रीम बेच रहा है ना, और दूसरी क्या बेच रहा है, ड्रिंक्स बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, अलग अलग पीने की चीज़ें बेच रहा है, अलग अलग फ्लेवर की, कलर की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट, कि आइसक्रीम की गाड़ी को, कार्ट को किससे कंपेयर, उसकी तुलना किससे की है पोम में, जो हमारी कविता है किससे की गई है आइसक्रीम की तुलना, आइसक्रीम की गाड़ी की तुलना हमने इसमें करी है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना आइसक्रीम की कार्ट कैसी लगती है, कैसी लगती है, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, किसकी तरह लगती है उसकी गाड़ी, जैसे कि कोई फूलों की एक क्यारी हो, कोई बेस हो जिसके ऊपर ऐसे फूल लगा रखे हैं, आधार की तरह लगती है ना। तो ये हैं इसके क्वेश्चंस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।